चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कैसे हैं डॉक्टर्स? टुडे आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि काफ़ी देर से जो है ना वो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम मैसेंजर और इनबॉक्स में मैसेज आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और उनमें 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो इस बारे में पूछे थे कि सर जी, USMLE स्टेप वन फर्स्ट एड के कम्प्लीट जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर हमारे सिर्फ और सिर्फ डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो बाकी अब हमारे जो सब्सक्रिप्शन पे लेक्चर्स हैं उनके वाले स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, और मैं जो है ना वो आज तक अपने स्टूडेंट्स के जो मर्ज़ी है वो आज तक उनको जो है ना वो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका, और आज भी मैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए काफ़ी बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हम जो है ना USMLE स्टेप वन का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 8 से 10 माह का सेशन होगा, और इसमें हम आपको फर्स्ट एड स्टेप वन के जो तमाम सिस्टम्स हैं, बेसिक्स हैं, उनके हम आपको लेक्चर्स देंगे, और ये बिल्कुल उसी तरह के लेक्चर्स होंगे जिस तरह पास्ट में आप मेरे लेक्चर्स देखते आए हैं फर्स्ट एड स्टेप वन के। इसमें हम जो है ना सिर्फ लेक्चर्स नहीं देंगे बल्कि आपको लेक्चर्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे, और हम यूवर्ल्ड MCQs के प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम डिस्कशन सेशंस भी रखेंगे, और फर्स्ट एड के जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म करने के बाद हम BRS फिजियोलॉजी और आपको पैथोमा के लेक्चर्स भी इसमें हम जो है ना वो कराएंगे। तो बस यही है कि जो स्टूडेंट्स फिर ऑलरेडी मुझसे लेक्चर्स ले चुके हैं और मुझसे सेटिस्फाइड हैं, तो मैं लास्ट में जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर जो है ना अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप लोग ना शेयर क्या करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करने से हमारी फैमिली बढ़ती है, फैमिली बढ़ने से हमारी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होती है, और हम एक टॉपिक को जो है ना वो डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। तो एक टॉपिक को हम जितने एंगल से देखेंगे वो टॉपिक उस तरह अच्छी तरह यानी अच्छा क्लियर होता है, और हमारी जो तैयारी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। और कुछ और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जी, ये जो हम फर्स्ट एड के लेक्चर्स पढ़ते हैं, ये USMLE के अलावा NLE, इंडियन टेस्ट, AMC, FLAB सबके लिए नफ़ है? तो यस यार, फर्स्ट एड स्टेप वन सिर्फ USMLE के लिए नहीं है, ये तमाम वर्ल्ड वाइड लाइसेंस एग्जाम्स के लिए, इवन कि इससे आप जो है ना वो FCPS पार्ट वन भी आप इसे जो है ना क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट जो न्यू हैं उनके लिए यही है कि वो जाएँ यूट्यूब से डेमो लेक्चर्स देखें, और वहाँ से डेमो लेक्चर देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो आए हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, तो हम जो है ना उनको एक ग्रुप पे ऐड करेंगे, और बाकी जो मालूम है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर जी, हम फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, फर्स्ट ईयर से हैं, हम जीरो हैं, जीरो बेसिक्स हैं, तो क्या हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस यार, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स पहले मुझसे लेक्चर्स ले चुके हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और बड़ा ईजिली आप इसमें जो है इसको कर सकते हो। बाकी यही है कि आप लोग आएँ, इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में छोड़ दूंगा, और इंशाल्लाह ताला स्टेप वन ख़त्म करने के बाद हम जो है ना वो स्टेप टू का सेशन भी इसी तरह हम सेम अरेंज करेंगे। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।